हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आज बास्केटबॉल मैच के, जो कि आपको KGT वर्सेस BT के बीच में है। BT यहाँ पर, BT का मतलब ताइवान बैंक है, ठीक है। BT का मतलब ताइवान बैंक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और ताइवान बियर टीम भी है, उसका भी TB है, इसलिए मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ कि ये ताइवान बैंक टीम के साथ है KGT का। तो चलिए, ये जो मैच हो रहा है ना सुपर बास्केटबॉल लीग, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है और इसमें विनिंग चांस बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि कल के मैच में हमारे सारे यूजर ने बहुत ही अच्छा जीता, मेरे कल के फर्स्ट मैच में ये देख सकते हैं आप, ये 10,000 का स्क्रीनशॉट है, 252 पॉइंट आया इस तरह का, मतलब पूरा ये देख रख सकते हैं आप, पूरा मेरा गैलरी फुल है स्क्रीनशॉट से सिर्फ। तो मैं ये सब चीज़ उतना नहीं दिखाऊंगा आपको। GL में भी ठीक ठाक रैंक आई थी, ठीक है, और सेकेंड मैच में भी मेरा पॉइंट ठीक रहा था। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर एप्लीकेशन पे, जैसा कि मैंने प्राइम कैप्टन पे, ये देखिए मेरा GL में फर्स्ट सेकेंड दोनों रैंक था मेरा। तो और प्राइम कैप्टन के बारे में आप लोगों को बताया हूँ, और इस लीग के लिए तो प्राइम कैप्टन बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग भी प्राइम कैप्टन पे नहीं हैं, सब लोग इंस्टॉल कर लें प्राइम कैप्टन को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप आराम से इंस्टॉल कर लीजिए। मैं प्राइम कैप्टन की टीम अलग से देता हूँ, ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और अगर टीम चाहिए तो मैं उसकी ID दे दूंगा, आप ID में बात करके टीम ले लेना। मैं अपने चैनल का नाम यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो हर जगह मेरी जाती है, तो आप जहाँ भी ये वीडियो को देख रहे हैं आपको वहाँ टीम मिल जाएगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। तो चलिए अब बात करते हैं इस मैच के बारे में, ठीक है। तो इस मैच के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। तो आप लोग सबको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जितने लोग भी देख रहे हैं, ताकि मैं सारा वीडियो बना पाऊँ। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरा मन नहीं करता हर वीडियो बनाने का। तो चलिए अब टीम रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो ये जो मैच है, ये KGT और BT के बीच में, KGT का ये देख लीजिए रिकॉर्ड सबका, ठीक है। KGT के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, KGT बहुत वीक टीम है, ये मैक्सिमम मैच हारा है, बट इस टीम का एक दो प्लेयर बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपको एप्सेशन और एनिवान, एप्सेशन आपको दिख रहा होगा और एनिवान नीचे है, ये दोनों बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हर मैच में इसने अच्छा किया है। तो टीम कमज़ोर है, लेकिन ये दोनों प्लेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस टीम का, तो ट्राई करना ये दोनों लेने का। और एक तीसरा प्लेयर भी आपको बता देता हूँ, जो कि क्रेडिट मैनेज करने के लिए आप इसको ले सकते हैं, जेड जियारोंग, ठीक ठाक परफॉर्म किया हर मैच में, ठीक है। और लास्ट मैच में यहाँ मैंने डेट सब कुछ लिख दिया है, डेट वाइज प्रीवियस परफॉर्मेंस, रिसेंट परफॉर्मेंस, और नीचे किसके अगेंस्ट था वो भी लिख दिया है, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी ग्रैंड लीग की टीम बनाने में, और ग्रैंड लीग की टीम कैसे कैसे बनाना है मैं वही बता देता हूँ। ये आप आराम से पॉज करके इसको देख लेना सबका रिकॉर्ड, ठीक है। और चलिए अब वो दूसरी टीम का मैं BT की बात करूँ, ताइवान बैंक की। तो ये टीम स्ट्रांग है, 16 में से 9 मैच इसने जीता है। तो इस टीम का एक ये है ना, हर प्लेयर, मतलब 6-7 प्लेयर हैं जो कि मिला जुला परफॉर्मेंस देते हैं, बट इस टीम का दो बेस्ट प्लेयर आपको एम जॉन्स और सी मिचेल है, ठीक है। एम जॉन्स और सी मिचेल बहुत ही अच्छा है, और पिछले 2-4 मैच से पी छेंग भी बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो आप इस टीम का भी मैं दो अच्छा प्लेयर बता दिया, उस टीम का भी दो अच्छा प्लेयर बता दिया, चार बताया हूँ, लेकिन चार में से आप किसी तीन को ही ले सकते हैं, तो आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। आप किसको ड्रॉप करोगे मैं वो भी बता देता हूँ, कुछ टीम में आप सी मिचेल को ड्रॉप करना, कुछ टीम में आप यहाँ से एप्सेशन को ड्रॉप करना, इस दोनों में से ही किसी को ड्रॉप करना, और कुछ टीम में मन करे तो एम जॉन्स को ड्रॉप करके चल जाना, बट एम जॉन्स को ड्रॉप करना मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि एम जॉन का क्रेडिट अभी 23.5 है, और आपको सी मिचेल का 25 है, और एप्सेशन का 28 है। तो उस हिसाब से आप देख लेना टीम कैसे आप बनाते हो, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, एप्सेशन बहुत ही अच्छा प्लेयर है, पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर है अभी तक, उसका टीम भले ही बेकार है, बट बास्केटबॉल का एक चीज़ आपको समझा दूँ, टीम बेकार भी होता है ना तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विनिंग और लूजिंग टीम के बीच का जो पॉइंट डिफरेंस होता है ना, 5, 2, 1, 10 इसी तरह का रहता है। तो यहाँ पर अगर टीम हार रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई प्लेयर ले ही ना, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो चलिए ये रिकॉर्ड सारा देख लीजिए इस टीम का भी, इस टीम का एम जॉन्स, पी जेंग, सी मिचेल, ये तीन बहुत ही अच्छा पिक, और उसके बाद आपको एल रेहोंग ठीक ठाक है, और आपको सी यू जुई भी ठीक है, बाकी डब्लू ली मैनेज, क्रेडिट मैनेज करने के लिए यहाँ पर 2-4 प्लेयर मैं बता दूंगा, क्रेडिट मैनेज करने के लिए आपको एक एच जैमिंग है, दूसरा एच एस चैन है,
ये सब क्रेडिट मैनेज करने के लिए, डब्ल्यू योरॉन, ये सब क्रेडिट मैनेज करने के लिए आप ये सबको ट्राई कर सकते हैं। और किसको ट्राई कीजिएगा क्रेडिट मैनेज करने के लिए, यहाँ देख लीजिए कि कौन से मैच में कौन खेला है, नहीं खेला, डेट वाइज मैंने पूरा शो कर दिया है, ठीक है। अब चलिए मैं ड्रीम इलेवन पर दिखाता हूँ कि किस किस पोजिशन से कौन कौन प्लेयर को आप ले सकते हैं। और इस रिकॉर्ड को देख के, और ये देखिए नीचे सबसे नीचे आप ध्यान दीजिएगा, बीटी जो है ना, इसका आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, केजे के साथ, केजे यहाँ पर आपको भी दिख रहा है, ये केजे के साथ जो मैच हुआ है उसमें कौन सा प्लेयर कैसा किया है, ठीक है। और सेम यही चीज़ आप केजे का देखिएगा, यहाँ टीबी, ये टीबी दिख रहा है आपको नीचे, मैं टैप कर रहा हूँ वहाँ पे, सॉरी टीबी नहीं, बीटी, ठीक है। इस बीटी को आप ध्यान दीजिएगा कि बीटी के साथ कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस किया है। मैं लास्ट का इन दोनों का दो मैच का हेड टू हेड का निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ, तो उस हिसाब से आप ग्रैंड लीग की टीम बनाइए। और ग्रैंड लीग में छोटा प्लेयर ना तीन चार टीम ऐसा सेम बनाइए, बस एक छोटा क्रेडिट का प्लेयर को चेंज कीजिए, कभी इसको लीजिए कभी इसको लीजिए, क्योंकि किसी किसी दिन छोटा क्रेडिट का प्लेयर ही अच्छा करता है और वही ग्रैंड लीग विन करवाता है, ठीक है। तो आप चार टीम बनाइए एफ सेशन को लेकर, चार टीम बनाइए सी मिचेल को लेकर, और तीन टीम बनाइए आप इस, तीन टीम आप इसको लेकर बना लीजिए, क्या बोलते हैं, एम जॉन्स को लेकर, ठीक है। यानी कि चार टीम में आपको एफ सेशन को ड्रॉप कर देना है, चार टीम में सी मिचेल को ड्रॉप कर देना है, और तीन टीम में एम जॉन्स को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जिसमें आप एम जॉन्स को ड्रॉप करोगे वहाँ पे आप एफ सी चॉइस रखना एफ सेशन, जिसमें आप सी मिचेल ड्रॉप करोगे वहाँ भी एफ सी चॉइस रखना एफ सेशन, और जिसमें आप एफ सेशन ड्रॉप करोगे ना वहाँ पे आप एम जॉन्स को एफ सी चॉइस लेके चलना। तो मैं बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए ड्रीम इलेवन का मैं एक बार पोजीशन वाइज दिखा देता हूँ प्लेयर का, किस पोजीशन से कौन कौन प्लेयर खेलता हुआ दिख जाएगा। मैं टीम वाइज दिखाता हूँ, पहले केजीटी का दिखा देता हूँ, ये केजीटी का इस पोजीशन से आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, के लिए आपको नहीं खेलेगा, बाकी ये तीन प्लेयर खेलता हुआ दिख जाएगा। इस तीन में से आपको, जैसा कि पिछले दिन एल कायान बहुत ही अच्छा खेला, ठीक है, और बाकी ये दोनों कोई खास नहीं है, तो वाई हुआ या कुछ, ये जो है वाई हुआन या, ये किसी मैच में बहुत अच्छा कर देता है, किसी मैच में अच्छा नहीं करता है, तो ये स्मॉल लीग के लिए रिस्की है, बट ग्रैंड लीग में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए इस पोजीशन से, इस टीम की बात हो गई, अभी शूटिंग गार्ड से मैं देख लेता हूँ। शूटिंग गार्ड से यहाँ पर बस दो ही ऑप्शन है, एक तो आपको एप सेशन, शूटिंग गार्ड से बस यहाँ एप सेशन, और दूसरा वाई चुनियान जो है ये क्रेडिट मैनेज करने के लिए सही है और प्लेयर भी ठीक ठाक है, और के हो कुछ मैच में खेलता है कुछ मैच में नहीं खेलता है, तो ये तीन को आप ग्रैंड लीग में देख लेना क्रेडिट के हिसाब से। स्मॉल फॉरवर्ड की बात करूँ तो स्मॉल फॉरवर्ड से आपको तीन प्लेयर यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, इसका जेड जियारोंग, वाइली और सी हुसैन, कुछ मैच में खेलता है कुछ मैच में नहीं। सी हुसैन को ट्राई मत करना किसी भी में भी, क्योंकि इसका क्रेडिट हाई है और ये खेला भी नहीं है, कुछ मैच में खेला और खेला भी तो बट लो स्कोरिंग दिया, तो यहाँ से बस दो ऑप्शन ट्राई करना ग्रैंड लीग में जो आपको सही लगे। पावर फॉरवर्ड की बात करो तो यहाँ से आपको पावर फॉरवर्ड में एस वाई चिन, डब्ल्यू वाई विन, और बस यही दो ऑप्शन है जो कि खेल रहा है, और बाकी के ये दोनों प्लेयर खेल ही नहीं रहे हैं, तो इस दोनों को आप छोड़ ही दो, ये दोनों को ट्राई करना आप अपना क्रेडिट के हिसाब से। और सेंटर की बात करें तो सेंटर से यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है यहाँ पे एनीवन, और इसको लेना ही लेना है आपको टीम में, ठीक है। एनीवन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर मैच में, तो ये केजीटी के सारे प्लेयर का मैं बता दिया। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ बैंक ऑफ ताइवान, ठीक है, या ताइवान बैंक का, इस टीम का आपको पॉइंट गार्ड पोजिशन से आप पी चैंग बहुत ही अच्छा है, और दूसरा सी वाई जुई, तो सी वाई जी और पी चैंग में से अगर आपको लेना है तो आप पी चैंग के साथ ही जाना, और ये दोनों खेलेगा और बाकी कोई खेलता हुआ दिख नहीं रहा है, तो बाकी के नीचे के प्लेयर को छोड़ दीजिए, ट्राई मत कीजिए। अगर ट्राई करना है तो किसी टीम में आप एक्स झैंग को देख सकते हैं, लास्ट दो मैच में खेला है बट कुछ स्कोर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से दो ही ऑप्शन है। शूटिंग गार्ड की बात करें तो शूटिंग गार्ड से यहाँ पर एम जॉन्स बहुत ही अच्छा प्लेयर है, डब्ल्यू ली क्रेडिट मैनेज करना होगा तो आप इसको ट्राई कर लेना, और जेड जिहाई, ये तीनों, जेड जिहाई भी क्रेडिट मैनेज करने के लिए, स्कोर कुछ खास नहीं करता है, दो तीन पॉइंट देगा बस, और डब्ल्यू ली का भी वही हाल है, बट पोजीशन से ये तीन है। स्मॉल फॉरवर्ड से बात करें तो इस टीम का स्मॉल फॉरवर्ड से कोई भी अच्छा प्लेयर इस टीम का नहीं है, लेकिन हर प्लेयर कभी किसी मैच में ये खेलता है किसी मैच में वो खेलता है। पिछले मैच में जैसा कि वाई चैन खेल दिया अच्छा, ठीक है, उससे पहले वो तीन चार मैच खेला ही नहीं,
और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें लीग की लाइनअप नहीं आती है ऑफिशियल साइट पे भी, तो आपको पास्ट रिकॉर्ड देख के ही टीम बनाना पड़ेगा। तो इस टीम का जो है इस पोजीशन से मुझे कोई अच्छा प्लेयर नहीं लग रहा है। क्रेडिट मैनेज करने के लिए जाना हो तो पी लिन को आप ले सकते हैं और डब्लू ताई जाई को भी ले सकते हैं, ठीक है। वाई चैन पिछला मैच खेला है और अच्छा स्कोर किया है, चाहो तो आप इसको ले सकते हो वाई चैन को, क्योंकि मुझे लगता है 3-4 मैच इंजर्ड था, उसके बाद कल ये 13 पॉइंट दिया, तो अच्छा है ये 8.5 क्रेडिट में, बट 8.5 क्रेडिट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप देख लेना अपने क्रेडिट के हिसाब से। तो इस पोजीशन से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो, सब खेल लेगा कभी नहीं खेलेगा क्रेडिट के हिसाब से। अगर क्रेडिट मैनेज हो जा रहा है तो इस पोजीशन का, इस टीम का कोई प्लेयर ना भी लेना तो सही है, ठीक है। पावर फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ से आपको एल रेहोंग, एस चैन और डब्ल्यू योरॉन, ये तीनों प्लेयर आपको दिख जाएगा। क्रेडिट मैनेज करने के लिए डब्ल्यू योरॉन सही है। एल रेहोंग किसी मैच में अच्छा खेलता है, किसी मैच में नहीं खेलता है, क्रेडिट 12 है तो ड्रॉप करके चलना है इसको, मत लेना है श्रीहोन को, इसको ड्रॉप ही कर दो मेरे हिसाब से। ये दोनों में से ही क्रेडिट के हिसाब से आप लेना। एस चैन सही प्लेयर है, एस चैन का पिछले 2-3 मैच में ठीक खेला है, और सेंटर से इसका ये सेंटर से ये दोनों है, बट एच जोंग रोंग जो है किसी मैच में खेलता है, किसी मैच में नहीं खेलता है, और क्रेडिट 9.5 है, तो स्मॉल लीग में रिस्क मत लेना, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, प्लेयर सही है ये आपका। बट सी मिचेल तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इसका एवरेज स्कोर आपको पर मैच 40-45 मिल जाएगा देखने को। तो आप लोग चलिए ये इन्फॉर्मेशन बता दिया, यहाँ से आप टीम बना लेना। मैं अगर बात करूँ स्मॉल लीग की टीम की, तो मैं ये बना के रखा हूँ 2 टीम, एक तो मैंने एप्सेशन को लेके गया हूँ और दूसरा सी मिचेल को लेके गया हूँ। तो ये देख लो एप्सेशन के हिसाब से मैंने ये टीम बनाया है स्मॉल लीग के लिए, और सी मिचेल को लेके गया हूँ तो मैं ये टीम बनाऊँ। इस टीम में आप सी मिचेल को भी एसपी रख सकते हैं, तो आपको जो सही लगे स्मॉल लीग के लिए साथ चल जाना। और फाइनल स्मॉल लीग मैं दे दूंगा चैनल पे, आप लोग जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं आपको टीम मिल जाएगी। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये सारा डाटा कलेक्ट करने में मुझे कम से कम कल का पूरा दिन लगा है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आ रहा है तो मतलब आप जहाँ भी देख रहे हैं तो इसकी टीम आपको मिल जाएगी वहाँ पे। चलिए थैंक यू। और प्राइम कैप्टन ऐप के बारे में बोल देता हूँ, इस लीग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है प्राइम कैप्टन, उसका कुछ रीजन है, वो रीजन आप खेलोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, कोई दिक्कत हो से ऐप से रिलेटेड मैं अपनी आईडी भी दे दूंगा या राहुल की आईडी दे दूंगा, अब बात कर लेना उससे, जो भी दिक्कत हो रिजॉल्व कर देगा आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू।